अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। मैंने सोचा आज वीडियो जो है आपके लिए थोड़ी सी बनाते हैं, जिसमें आपको दिखाते हैं जहाज़ का जो डिपार्चर है और जो लैंडिंग है वो आपको दिखाते हैं आज। तो आए फिर देखते हैं। डेल्टा एको एको डेल्टा डेल्टा पिस्ते दगाइज एक्स स्टार्ट फ्राई। कंट्रोल टावर से इजाज़त लेने के बाद लेफ़्ट पे चेक किया और राइट पे देखा, कोई जहाज़ तो नहीं आ रहा। और उसके बाद रनवे के ऊपर जाएंगे। रनवे पे पहुंचने के बाद डायरेक्शन देखेंगे, सामने जो लगी हुई डिवाइसेस हैं कि आप बिल्कुल ठीक रनवे के ऊपर हैं। और उसके बाद जो है थ्रोटल, उसको फुल रेस दे देंगे। थ्रोटल ऐसे ही है जैसे गाड़ी में रेस होती है, उसको फुल कर देना है। और उसके बाद जहाज़ रनवे पे दौड़ पड़ेगा। जब स्पीड 65 knot जो है उस पर पहुंच जाएगी और थोड़ी सी जो नोज़ है उसको ऊपर करेंगे, जिसके बाद जहाज़ फ्लाई करना शुरू कर देगा। और साथ साथ फिर देखते जाना है कि 5 डिग्री से ज़्यादा जो है वो ऊपर ना जाए। जब जहाज़ 900 फुट पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद जो परों की सेटिंग है वो चेंज कर देंगे। परों की 2 सेटिंग्स होती हैं इस जहाज़ में, और जो पहली सेटिंग है उसके ऊपर उड़ाते हैं और दूसरी सेटिंग पे उसको फिर नीचे उतारते हैं। जो लैंडिंग होती है उसके ऊपर दूसरे पे होती है। और जो पेट्रोल का होता है एक एक्स्ट्रा पंप, ये जिसको मैं बंद कर रहा हूँ, और लैंडिंग की लाइट्स बंद की हैं। अभी मैं राइट साइड पे टर्न करूँगा और उसके बाद जो है जहाज़ को ऊपर उड़ाते जाएंगे। 1200 फीट तक इसको लेके जाना है। क्योंकि इस एयरपोर्ट का जो ट्रैफिक सर्किट है, जो जिस तरह ओ बनता है, इस तरह है कि हर जहाज़ जो उड़ेगा वो राइट टर्न लेगा, दोबारा से राइट टर्न और मुड़ के फिर रनवे पे उतरेगा। तो क्योंकि मैंने अब दोबारा से जहाज़ को उतारना है, तो इस एयरपोर्ट का वो 1200 फिट है ट्रैफिक सर्किट। तो अभी उसके अंदर हम जा रहे हैं। साथ साथ में हर टर्न पे जैसे गाड़ी में दाएं बाएं देखते हैं, इसी तरह जहाज़ में भी देखते हैं। जब रनवे के तकरीबन मिड में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म करना होता है कि अब मैं इस सर्किट में से बाहर जा रहा हूं या फिर दोबारा से मैंने लैंडिंग करनी है। तो इस वाली वीडियो में मैंने दोबारा से लैंडिंग करनी है, तो मैं कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म करूंगा कि मैं राइट साइड पे हूं और लैंडिंग से तकरीबन 1 मिनट दूर हूँ, तो मुझे इजाज़त दी जाए लैंडिंग की।
जो भी जहाज ट्रैफिक सर्किट में होता है उसकी प्योरिटी होती है। जैसे जो आप गाड़ी में मेन हाईवे पे जा रहे हो तो पहले जो मेन रोड पे हैं उसकी प्योरिटी है। इसी तरह ट्रैफिक सर्किट में जो पहले से मौजूद है वो पहले उतरेगा, जो बाद में ट्रैफिक सर्किट में शामिल होना चाह रहा है उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर वो आपके पीछे जहाज़ को लाइन में लगा के उतारेगा। रनवे जो होती है वो हवा के हिसाब से ये चेंज करते रहते हैं, हवा के रुख के हिसाब से। अभी इस वीडियो में मैंने जो रनवे 3-6 जिसको 360 डिग्री पे जो बनी हुई है उसको इस्तेमाल किया। और नॉर्मल कभी ऐसा भी होता है कि आप अपोजिट डायरेक्शन पे जहाज़ को उड़ाते हैं तो वो 180 डिग्री बनेगी। अभी क्योंकि लैंडिंग होनी है इसलिए जो मैंने पार रहे हैं उनकी डायरेक्शन 2 की है, उससे ये होता है कि पार जहाज़ जो होता है उसकी स्पीड बहुत डाउन हो जाती है और वो फिर नीचे की तरफ जो है वो आता जाता है। और अब कंट्रोल टावर को बताएंगे कि मैं बिल्कुल रनवे के पास हूँ और लैंडिंग कर रहा हूँ, ताकि वो किसी और जहाज़ को जो है इजाज़त ना दे, या फिर वो दूसरे जहाज़ को बताएगा कि इस टाइम आपको आगे एक लैंडिंग करता हुआ जहाज़ नज़र आ रहा है तो उसके पीछे आप उतार लें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।